मेरे बाल बहुत सफेद हो गया यार। मैं अब इसको तोड़ती हूँ, ये वाला, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है और साइज भी बड़ा बड़ा मीठा। ये देखिए तवा उतार दिया आपने, नाशपाती खा के देखती हूँ। अरे जापानी फल है, ये देखो। क्यों? ये देखो, रास्ते में आते समय हमने जब नाशपाती खाया था ना, और अभी मेरे मुंह में नाशपाती ही बैठा और इतना टेस्टी लगा नाशपाती। वैसे मैं खाती नहीं हूँ और इतना टेस्टी लगा इस बार। और ये जापानी फल खा के देखिए अच्छा लगा। तूने तो नरम जैसा खाया। तो मैंने ना जानबूझ के वो पक्का पक्का जैसा निकाला, मैं सोचा गिर जाएगा, सोचा ना वो, तब निकाला मैंने। वैसा कच्चा शिम्बू होता है, इतना शिम्बू होता है। और मेरे हाथ में देखो क्या है, हरी मिर्ची। वहाँ देखो, वहाँ उसको देखो, इसका नाम क्या है? बूजो 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 बूजो, कम हियर बूजो बूजो, क्या कर रहा है? या यूं यूं बूजो यूं। देखिए मिर्ची, हरी मिर्ची उगी हुई इसमें, सब पक चुका है, लाल मिर्ची पक चुका है। देखिए देखने में ये लग रहा बहुत तेज होगा, है ना? और देखिए जापानी फल कितना टेस्टी है। और देखो यहाँ पे चिड़िया ने खा लिया, मैंने बोला चिड़िया ने खा लिया है। और आप क्या कर रहे हो? मैं पुदीना कलेक्ट कर रही हूँ। बहुत सारे पुदीने हैं। ये देखिए, ये ना वही बनाएंगे शाम को, पुदीना डाल के। ओके, तो ये वाला, ये जो जगह देख रहे हो ना आप, इसको पेड़, इस पेड़ को बोलते हैं राठी का पेड़, है ना? तो राठी का पेड़ हमारे भाषा में बोलते हैं, हिमाचल के भाषा में बोलते हैं डोडा, ठीक है? तो इसी पेड़ के नीचे ये देखिए, आप आइए पब्लिक जी, ये देखिए, इसको बोलते हैं लुखांग। तो लुखांग का मतलब क्या होता है हमारे में, हम हिंदी में बोलते हैं इसको शाम का बसेरा, नाग का बसेरा, जहाँ पे नाग ठहरते हैं। तो नाग इसके नीचे, मतलब कि ना इसी पेड़ के नीचे नाग का बसेरा है, तो इसको साफ रखना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये वाला जो पत्थर देख रहे हैं, ये वाला पत्थर, ये पत्थर भी इसी पेड़ के नीचे ही मिला है। ये वाला पत्थर जो कोई ऐसा नहीं बनाया हुआ नहीं है, ये कुदरती है, नेचुरल है ये वाला पत्थर जो ना। ये देखिए राठी का पेड़, उसका पत्ता ऐसा होता है, इसका साबुन बनता है, लेकिन अभी इसमें है ही नहीं ना। अच्छा ये है ना पूरा, हाँ सच में देखो, हाँ इसी से साबुन बनता है। देखो ये से दिखे जाते फिर मेरे को बाकी। अच्छा जी, तो हम कहाँ चले? कुल्लू मेला। ओके देखिए, तो हम अभी कहाँ पे हैं? देखो मेरे गाँव। ओके, और आज हमारे साथ में है बबली की इजी, इजी शांति। चलो अभी हमें लिफ्ट चाहिए नहीं। अच्छा है, अच्छा ओके ओके, जुड़ो कर ले, चलो हमारे को सीधा आराम से, आराम से क्या रही चल दो। ओके चलो जी, डिलीट हो गया मेरे से, तेरा नंबर डिलीट हो गया मेरे से, हमको ऑटो भी मिल गया। हम जा रहे हैं कुल्लू दशहरा, है ना?
जा रहे कुल्लू मेला, कुल्लू मेले देखने जा रहे हैं बहुत साल के बाद मेरे ख्याल से। उस टाइम भी शायद तेरे साथ ही गई थी मैं, है ना? याद है? हाँ। जब हम छोटे छोटे होते थे तभी भी हम ये टोकरी वगैरह खरीदते थे, और ये तो खेत का काम आता ना, दराटी, लेकिन ये हमारा मतलब इंटरनेशनल फेस्टिवल है कुल्लू का दशहरा, हर साल अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट में, और ये टोकरी का हम लेते थे बचपन में, इसमें रोटी डालते थे नहीं? सूजी का गोलगप्पा, सूजी का ये चाट, अच्छा ये देखो ये डोसा बन रहा है, ऐसे ये सिंपू है, मैं सूजी वाला पसंद कर रही हूँ। फूल गोभी का साइज देखो कितना अच्छा, छोटा छोटा लेगा, देसी टमाटर है, पुदीना भी है, देखो पालक है, खीरा है, ये सब देसी है ना, ये देखो लाल मूली। हम लोग मेले के साथ साथ एक मूवी भी देख लेते हैं, और ये है शोभला मल्टीप्लेक्स हॉल ना, देखिए मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, कभी आया नहीं। अच्छा तो वहाँ मारा है ये तो नहीं, अच्छा ऊपर है, अच्छा चलो ऐसा मत कर, वो आज यूट्यूब में डालू मैं, मेरा कुछ सांप निकल जाता है, बोला सांप को मारता है। चल आई चली,
My brother. Shaji Ali. Sorry, doctor. वापस जा रहे हैं मूवी देख के, और मूवी बहुत अच्छा था। जिगरा आलिया भट्ट का रोल बहुत अच्छा था इसमें।